दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी टाटा पावर की तरफ से आ रही है। बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के रहने वाली है। यहाँ पर आप लोग जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर इस वैकेंसी की, तो गाइस यहाँ पर आप लोगों की टेक्निकल वैकेंसी, नॉन टेक्निकल वैकेंसीज और साथ ही अलग अलग प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए रिक्वायर्ड है वो ज़रूर अप्लाई करें। मैं आप लोगों को देखिए डिपार्टमेंट बता देती हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकाली गई है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, साथ ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, मैंटेनेंस में आपकी वैकेंसी रहेगी और आप लोगों के मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रहेगी, मटेरियल डिपार्टमेंट में रहेगी। सभी में आप सभी को अप्लाई करना है जिसमें आप लोग एलिजिबल होते हैं। गाइस देखिए, अप्लाई का प्रोसेस मैं बता दूंगी कैसे अप्लाई करना है और यहाँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों की लिंक ऑफ हो जाती है तो आप लोग यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ फॉर्म की लिंक ऑफ हो सकती है और ये जो फॉर्म है आप लोगों को लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर आप लोग जो है इसको अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ जो टाटा पावर की वैकेंसी है, वॉक इन अपॉर्चुनिटी निकाली गई है सोलर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से। मतलब आप लोग का जो टाटा पावर में वैकेंसी है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर देखिए, कई सारे आप लोगों के यहाँ लोकेशन दिए गए हैं, तमिलनाडु वगैरह ऐसी ही और भी आप लोकेशन देखने के लिए मिलेंगी। सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका रहेगा और यहाँ देखिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, इंडिया का यहाँ लार्जेस्ट सोलर प्लांट है, मतलब सबसे बड़ा प्लांट है, बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। जो भी हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मैं लिंक भी दे दूंगी। बाकी देखिए यहाँ जो QR कोड दिया गया है, उस QR कोड को स्कैन करके आप लोग यहाँ जो है इसका फॉर्म अटेंड कर सकते हैं। और गाइस, फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों के पास ईमेल आईडी के जरिए से यहाँ क्या आएगा, जो है इंटरव्यू की डिटेल आ जाएगी। उसमें आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना होगा, पूरा इंटरव्यू बताया जाएगा। बाकी अगर नहीं भी आता है तो भी आप लोग इसका इंटरव्यू आप लोगों को 4 से 5, मतलब जो मार्च है 4 से 5 मार्च को यहाँ इंटरव्यू अटेंड करना है। सैटरडे एंड संडे को ये इंटरव्यू अहमदाबाद में रहने वाला है। क्या क्या रहेगा यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसे जो है जूम कर लेती हूँ। बाकी देखिए यहाँ आप लोगों की हायरिंग की जा रही है, वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। यहाँ हमारे जो कैंडिडेट हैं अहमदाबाद में यहाँ इंटरव्यू अटेंड करेंगे और आपका 4 से 5 मार्च को ये इंटरव्यू रहेगा। आपकी तमिलनाडु की जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन वेन्यू आपका अहमदाबाद का रहेगा। तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन गाइस, यहाँ अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 27 फरवरी दी गई है। 27 फरवरी के बाद में हो सकता है इसकी लिंक ऑफ हो जाए, लेकिन देखिए अगर लिंक ऑफ नहीं हो सक होती है तो आप लोग 27 फरवरी के बाद भी इसमें कर सकते हैं, आप लोग इसका जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। बट अगर ऑफ हो जाती है तब आप लोग नहीं कर पाएंगे। और गाइस, जो इंटरव्यू रहेगा 4 और 5 फरवरी को है, तो चलिए मैं वन बाय वन बता देती हूँ। और गाइस, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। जैसे आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, मैं मानती हूँ यहाँ आप लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं, तो ये लिंक दी गई है गूगल फॉर्म की, इसे फिल करेंगे। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि गाइस फाइनेंस वाले आप लोग अगर हैं तो आप लोग यहाँ क्लिक करके भर सकते हैं। हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं, बात करते हैं हम यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट की। तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारा गूगल फॉर्म ओपन होगा। कुछ इस तरीके का हमारा गूगल फॉर्म रहने वाला है और यहाँ हमारे इस क्वालिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे। गाइस, जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, देखिए डिप्लोमा रहने के लिए है और आप लोग यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस वैकेंसी के लिए। ऐसे ही आप लोग अलग अलग यहाँ पोजीशन देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल वाले एलिजिबल रहेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बताई गई हैं, यहाँ अपना रिज्यूम अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप लोग इसे नेक्स्ट करेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ रिज्यूम अटैच कर दिया है, देन हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट।
तो गाइज अगर आप लोगों की यहाँ पर सीवी है तो सीवी अपलोड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसी तरीके से आप लोगों के प्रोसेस आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोगों को यहाँ क्या करना है, इसी तरीके से यहाँ पूरा फॉर्म फिल करना है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ इसी तरीके से आप लोगों को मेंटेनेंस में है, आप लोग जब इसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर विद क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, वन बाई वन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ टेक्निकल स्टूडेंट एलिजिबल है, इन सभी वैकेंसीज के लिए हमारे टेक्निकल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। इसमें हमारे फाइनेंस वाले, इसमें जो हमारे नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है वो अप्लाई करेंगे, वन बाय वन कर सकते हैं। सभी की लिंक आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दी गई है गूगल फॉर्म की, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर आप लोग अप्लाई कर दीजिए। 27 फरवरी से पहले पहले कर दें, अगर उसके बाद देखिए ये लिंक ऑफ हो सकती है, अगर नहीं होती है तो आप लोग उसके बाद भी कर सकते हैं।